हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी निषाद एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ला एजुकेशन जीके में हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजारा भत्ता, यानी जो पत्नी को भरण पोषण दिया जाता है। सेक्शन CRPC का सेक्शन 125 के तहत जो पत्नी को भरण पोषण दिया जाता है, उस केस से हम कैसे बचें। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अगर पत्नी ने आपके ऊपर केस कर दिया है और आपसे भरण पोषण की मांग करने के लिए केस दाखिल किया है, तो उससे पहले हम क्या करें कि हम उससे भरण पोषण देने से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गुजारा भत्ता का केस से पहले पति को क्या तैयारी करनी है। CRPC का सेक्शन 125 के तहत अगर आपके खिलाफ़ कोई फाइल दाखिल हो गई है, तो उससे पहले आप कौन कौन सी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, अपने हिस्से की जो संपत्ति है, उन सभी संपत्तियों को अपने भाई या दीदी या किसी के नाम कर दें। हो सके तो कर दे, ज़रूरी नहीं है। अगर कर देते हैं तो पत्नी आपके खिलाफ केस में गुजारा भत्ता पाने के लिए कम चांसेस रहते हैं, यानी प्रॉपर्टी चार्ज होने का कम चांस रहता है। नंबर दूसरा, बैंक में ज़्यादा पैसे ना रखें। अगर आपने जान लिया कि मेरे खिलाफ़ 125 का मुकदमा दाखिल हो गया है, तो जितना हो सके स्टेटमेंट जो बैंक का है, पासबुक अपने पास रखें, सुरक्षित रखें और बैंक में ज़्यादा पैसे ना रखें। और अगर आप पत्नी आपके खिलाफ़ 125 CRPC का मुकदमा किया है, तो पत्नी को घर में घुसने ना दें। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर पत्नी मुकदमा दाखिल करने के बाद भी घर में आती है तो उसे घुसने ना दें। अगर आपके माता पिता के नाम पर है, यानी अगर जो घर है आपके माता पिता के नाम पर है, तो आप केस करके कोर्ट से स्टे लें ताकि आपकी पत्नी उस घर में प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, अगर आपने कोई LIC की पॉलिसी ली है, तो इस बात को अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से छिपा कर रखें। आप जहाँ भी काम करते हैं उसके बारे में जानकारी किसी को न दें। कितना इनकम होता है, इस बात को छुपाने की कोशिश करें। यानी आप अगर कोई कंपनी में या कहीं भी काम करते हैं, तो आप एक कतई बताने का प्रयास ना करें कि आप कितना कमाते हैं, नहीं तो उस हिसाब से कोर्ट आप ज़्यादा पैसा लगाने का प्रयास करती है आपके ऊपर। दोस्तों, अगर बात की जाए आपके बच्चों की कस्टडी के बारे में, तो अगर आपके बच्चे हैं और आप कस्टडी में लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कोर्ट में जाकर कस्टडी का मुकदमा दाखिल करना होता है। उसके तहत आपको बच्चे आपके मिल जाएंगे। दोस्तों, आपकी पत्नी अगर कहीं पर काम करती है, पैसे कमा रही है, तो आप इसके बारे में सबूत इकट्ठा करें। यानी आप अगर आपकी पत्नी कहीं पर कोई जॉब करती है, कोई काम करती है, दुकान चलाती है, सिलाई का काम करती है, ब्यूटी पार्लर काम करती है, या कोई व्यवसाय करती है, तो इसका आप जो भी आपके पास रिकॉर्ड हो आप इकट्ठा करें, सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करें। और सबसे बड़ी बात है, पत्नी का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी अगर पत्नी की कोई ऐसी हरकत आपको लगे कि जो उसके चरित्र और स्वभाव के बारे में बताए, तो आप उस कोर्ट में उसको दिखा सकते हैं रिकॉर्ड करके। और सबसे बड़े क्वेश्चन, गुजारा भत्ता केस से कैसे बचे। इसके लिए दोस्तों, आपको CRPC के सेक्शन 125 के तहत पति को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ता है। उनके मुताबिक पति को अपने पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। यानी CRPC का सेक्शन 125 यही कहता है कि पति अपने पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। इस धारा के बचने के लिए आपको कोर्ट में असहाय और बेचारा प्रस्तुत होना होगा। यानी अपने आप को कोर्ट के समक्ष दृढ़ ना बने, वहाँ पर नॉर्मल रुख अपना कर या साबित करके हम बेचारा हैं, असहाय, हमारा कोई नहीं है, इत्यादि इत्यादि। आपके वकील को जो अभी आप अधिवक्ता होंगे, उस बात को साबित करेंगे कि आप इस धारा से कैसे बचेंगे, अपने पत्नी को गुजारा भत्ता कैसे नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोर्ट के अंदर अपने आप को असहाय और पत्नी को कामकाजी महिला के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिससे कि आप इस दहेज के जो भी भरण पोषण का होता है, इससे आप बच सकते हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।